जनसभा में मंच ही वो ताकत है जहां से नेता हुंकार भरते हैं, वादे करते हैं, लेकिन नेताओं को मंच के पंच का भी सामना करना पड़ सकता है। अब सोचिए जरा, लोकप्रिय नेताओं से मिलने जनता की भीड़ मंच पर पहुंच जाए तो मंच और नेताजी का क्या होगा, और दूसरी तरफ भीड़ कम देख नेताजी गर्मी में बिफर जाएं तो क्या होगा। कोई नेता नाले को मंच बना लेता है तो किसी का मंच चाय की टपरी पर ही बन जाता है। कुछ भी कर ले नेताजी, पर ये ना भूले कि जनता सब जानती है। ...2024 की जंग के लिए नेता ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं, जनसभाओं में लगे हैं। चुनावी जनसभा में सबसे अहम होता है नेताओं का मंच। मंच जिससे वो दुनिया भर के वादे करते हैं, अपना और जनता के बीच रिश्ता तय करते हैं। लेकिन साहेबान, सोचिए जरा, अगर ये मंच उनकी प्यारी जनता के सामने टूट जाए तो क्या होगा? अरे भाई क्या होगा, भद पिटेगी और क्या। ऐसी ही भद पिटी एमपी के छतरपुर में सूबे के सीएम मोहन यादव की। अपनी सभा में वो जिस मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, ज्यादा लोगों के वजन से वो मंच टूट गया। हालांकि जनता को साथ पाई या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सीएम को हाथों पर साथ लिया और बड़े हादसे से बचा लिया। तो भैया मंच क्या ना करा ले। मंच का ऐसा ही एक किस्सा AIUDF नेता बदरुद्दीन अजमल का है। वो जब हाइलाकांदी जिले में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां उनका गुस्सा फूट पड़ा। स्टेज पर बोलने के लिए आगे बढ़े और माइक पकड़ा तो पार्टी नेता को डांटना शुरू कर दिया। दरअसल तेज धूप की वजह से वहां भीड़ नहीं थी, इसलिए वो नाराज हो गए कि वहां लोगों के लिए इंतजाम क्यों नहीं किया गया। अजमल इतने नाराज हो गए कि उन्होंने डांट फटकार लगाते हुए स्टेज के सामने माइक फेंक दिया और चलते बने। साहेबान, ये तो जनसभा के मंच थे, इधर आनंद में तो एक पानी पूरी वाले का अपना ही एक मंच तैयार हो गया है। ना ना ना, ये कोई प्रचार वचार का मंच नहीं, यहाँ मामला दूसरा है। दरअसल पानी पूरी वाले ये भाई साहब, जिनका नाम अनिल भाई ठक्कर है, बिल्कुल पीएम मोदी जैसे दिखते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच लोग इनके साथ मिलकर ऐसे ही आनंद से सराबोर हो जाते हैं, मानो पीएम से ही मिल गए हों। अब बड़े आदमी का हम शक्ल होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो हो गया ना इनका एक अलग ही मंच तैयार। हाँ तो जनाब, मंच की ऊंचाई के तो बहुत किस्से देख लिए आपने, अब जरा नाले की गहराई भी नाप लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है, ये विकास दिख रहा है। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, 10 साल से देश में इनकी सरकार है। ये चुनाव जो ना कराए सो कम। दरअसल नेताजी वोट के चक्कर में नाले को छोटी गंगा समझकर उसमें ही कूद गए। अरे मतलब शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नाले का विरोध करने के लिए नाले और नदी के संगम में छलांग मार दी। दरअसल उज्जैन से कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार को ऐन चुनाव के वक्त ध्यान आया कि शिप्रा नदी में जो नाला गिर रहा है वो नदी की पवित्रता के लिए ठीक नहीं है। महेश परमार ने उज्जैन में नदी नाले के ठंडे संगम में डुबकी लगाई तो गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी को गर्म चाय की चुस्की का चस्का लग गया, इसलिए वो पहुंच गए मशहूर डॉली टपरी चाय वाले की दुकान पर और डॉली की बनाई हुई चाय की चुस्की ली।
अब स्वयं सीएम दुकान पर आ जाएं तो एक सेल्फी तो बनती है, लिहाजा डॉली ने सीएम के साथ फोटो भी खिंचवाई। तो भैया चुनाव प्रचार में मंच ही आदमी को बड़ा बनाता है और मंच ही उसका कद भी छोटा कर देता है। किसी का मंच गिरे चाहे कोई मंच से डांट फटकार करे, जनता का अपना मंच है, उसे पता है कि किसका मंच सफल बनाना है और किसको पटखनी देनी है। ऐसे ही थोड़े ना कहते हैं कि जनता सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।